तो ईडी रिया से पूछताछ कर रही है, सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। इस बीच शिवसेना की सियासत नॉनस्टॉप जारी है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, मुंबई पुलिस जांच में सक्षम है, लेकिन कुछ लोग इस मौत का रहस्य सामने नहीं आने देना चाहते। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में जिस प्रकार की राजनीति बिहार की सरकार और दिल्ली में हो रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। मैं मानता हूँ कि मुंबई की पुलिस एक सक्षम पुलिस दल है। बहुत से बड़े बड़े ऐसे अपराधों का जांच मुंबई पुलिस ने की है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सच है वो सामने लाने की पूरी कोशिश मुंबई की पुलिस कर रही है, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। बट कथा वजह क्या है कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए, सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए। इसलिए ये दबाव तंत्र और सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के सरकार को निशाना बनाने की ये साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार का चक्रव्यूह कितना भी बनाओ हम भेज कर बाहर आ जाएंगे। तो संजय राउत कह रहे हैं पुलिस जांच कर रही मुंबई पुलिस, लेकिन कुछ लोग राज छुपाना चाहते हैं। अब से कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती पहुंचने वाली हैं ईडी दफ्तर। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।